अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दुआ करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सबको बहुत 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 मुबारक पहली सहरी, और दुआ करते हैं सब लोग सोए सहरी में उठ गए होंगे। तो बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ, और माशाल्लाह आवाज़ आ रही है मस्जिद से, इतना अच्छा लग रहा। रात में 4 बज गए हैं, और फटाफट करते हैं सहरी की तैयारी। कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, गली में बिल्कुल सन्नाटा है। और गाइस सब अपने घरों में सैरी करते हैं और दिखा रहे हैं आपको भी। देखो ऐलान हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दिखाते हैं, लाइट वगैरह जला दी हमने कमरे की, और आपको दिखाते हैं। हमजा इधर सो रहा है कमरे में, जल्दी से हमने रख दिए हैं। दूध उबल रहा है इधर, अंडे इधर उबल रहे हैं, फटाफट बनाते हैं रोटी 2-4। तो जल्दी से तैयारी करते हैं। तो गाइस आटा भी गूंद रहे थे सहरी में, तो ये देखिए आटा भी है। तो इधर दूध गर्म करके रखती, इसमें बंद डालूँगी और 4 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हाँ 4 ही लोग हैं, एक ही खाएंगे। पहली सहरी थोड़ा सा खाया नहीं जाएगा सुबह सुबह में। और मेरी चाय भी इधर बन रही है अभी, तो चलने से रोटी बनाती हूँ फटाफट। तो गाइस ये है डबल रोटी, ये देखिए। तो इसे डालेंगे दूध में, मिट्टू चुप हो जाया करो सुबह सुबह। ये दूध के अंदर डाली हमने, सारी डाल। गाइस सहरी का टाइम हो गया, सारा बना लिया माशाल्लाह। और पहली सहरी अल्लाह ताला हमारी कबूल करे, हम सब की सहरी पहली सहरी कबूल करे, और अल्लाह ताला हमारे सेहत में तंदुरुस्ती दे, और हमें अच्छा रखे, और हमें हिम्मत और ताकत दे। अल्लाह ताला सब की सहरी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। और दिखाते हैं सहरी में, ये हमने बनाया है कीमा है, रोटी, चाय और अंडा, ये है ब्रेड, दूध, इधर अंडा और इधर सब्ज़ी है। तो हमजा हमारे भी उठ गए हैं और खा रहे हैं सहरी, तो हमारे बच्चे भी सारे उठ गए हैं। तो जल्दी से करते हैं सहरी, टाइम हो गया है, करते करते बज गए कितने, 5 बजने वाले हैं, और 5:15 पे है सहरी ख़त्म हमारे यहाँ। हाँ ये अंडा मेरा मुझे दे दे, वो नमक मत डालना। तो सहरी कर, चाय ठंडी भी हो गई थोड़ी सी, लाइबा गर्म कर लो। लाइबा खा के हमारी सबसे पहले बैठ गई बिस्तर में, लाइबा पहले खा के बैठ गई, अपना खाए क्यों नहीं है। लाइबा हल्की गर्म करी चाय, कभी तो मैं फूक मारती रहूँ और टाइम ख़त्म हो जाए सहरी का। इतनी गर्म चाय मत करियो, हल्की करियो बस, 15 मिनट है कभी, इतना खोला लिया मैं फूक मारती हूँ चाय के अंदर, हो जाए काम, चाय भी ना पी पाऊँ। तो फटाफट करते हैं सुबह सुबह खाने का, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मगर मजबूरी में आधी रोटी के थोड़ा सा ही बस खाया जा रहा है। आधी रोटी तो खा ली अल्लाह के शुक्र से, बस इतनी खाया जाए जितनी आप खा सको। थैंक यू सो मच लाइबा बहन, आपने चाय गर्म करके दी हमें दोबारा से, और मेरी चाय में थोड़ी सी मलाई भी डाल दो, क्योंकि बिना मलाई के तो मेरी, हाँ नहीं तो हम जा अपनी प्लेट में सालन ले ले, मेरी मेरी प्लेट में मत खाओ। तो गाइस मैं बार बार निकालती हूँ, मेरी प्लेट में खा लेता है। अब तो हाल मैंने खा लिया, रात में खाना नहीं खाया था, मुर्गे मुसल्लम खा के आया था रात में कहीं से, खाने क्यों नहीं खाया था रात में, कब खाया था मेरे साथ, थोड़ा सा तो खाया था रात में, मुर्गे मुसल्लम खा के आया था हमारा बेटा साहब। कितने दावत करी थी इसके दोस्त ने, दो दावत करी हुई तभी जाता है मुर्गे मुसल्लम खाने। तो तरावी पढ़ने गया था माशाल्लाह मेरा बेटा, ये रात को 11 बजे आया तरावी पढ़ के, और दूध मंगाया इससे गाइस मैंने, पता है फिर आने के बाद दूध मंगाया तो दूध कितने 1 घंटे में लेके आया दूध। सर इससे कुछ भी काम कराओ ना, कि अभी हमजा ये लग कर देना, अगर जोहर में कहेंगे ना अगर 2 बजे तो शाम को सीधा लेके आएगा। इतना तेज, कितना अच्छा लगता है ये आवाज़ सुनते हुए। सहरी का वक्त कितना, 15 मिनट है, चलो शुक्र है 15 मिनट जब तक हम अपनी चाय फिनिश कर दो। चलिए खा लिया अपना सामान, खा लिया मैंने, ये देखिए चाय, अंडा, ये बोला है मैंने, क्या बोला बताइए दोबारा से, बस आका हम रब हम शराबन तहूरा, ये बोला वो अबे बूढ़ा खराब, मुझे चला दो वहां से। तो गाइस आवाज आ गई है माइक से,
टाइम पूरा हो गया है, अब कोई ना खाए पिए, फटाफट पानी जिसने पी लिया पी लिया। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र से खा लिया, सहरी हो गई। तो अब नमाज वगैरह का टाइम हो रहा है, कुरान शरीफ रख दो ला मेरा गाइस। मैं देखो हो गई हो गई हो गई, आवाज खत्म आ गई, पूरा हो गया रोजे का टाइम, अब कोई खाए ना पिए। अभी सौबे गजन नबे तू मैं सहरी रमजान, यही लिखा हुआ था किताब में, हमने भी यही पढ़ा अपने दादा परदादा से। लाइबा हाँ, तू मगर सब पढ़ लिया। चलिए ठीक है, अब बस का हम सुना दो उसे जरा। अभी क्यों रख दिया मेरे, चुप बताऊं मैं फिर अभी तुझे। ये हमारे घर में हमारी रानी बिटिया है, इससे कोई नहीं बोल सकता, प्यारी बेटी मेरी है। और कोई अगर इससे कहता है कि लाइबा तुम गिलास में पानी दे दो, तो फिर तो सुन लो इसके जवाब, क्या जवाब देती है लाइबा। लाइबा हाजिर कर देती है पानी सामने, बस एक कह दो लाइबा गिलास पानी ला दो, फिर लाइबा सीधे पानी ला कर दे देती है। लाइबा से कह दो रोटी बना दो, लाइबा फौरन रोटी बनाने खड़ी हो जाती है। माशाल्लाह इतनी अच्छी, माशाल्लाह मेरी बिटिया है, बहुत प्यारी बेटी मेरी, बहुत सुंदर बेटी है। और मेरी सहरी मदद भी मेरी बेटी ने करी थी लाइबा ने। तो लाइबा बहुत खुश हो रही है की बेटी है, लाइबा बेटी है हमारी। गाइस नमाज वगैरह पढ़ ली और मैं जा रही हूँ कहीं काम से, तो दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अमरोहा, अमरोहा में मीटिंग है एक, जो वो थोड़े से सीक्रेट है, बाद में बताऊँगी मैं आपको कि क्यों जा रही हूँ अमरोहा। पहले अमरोहा चलते हैं और देखते हैं वहाँ का मीटिंग कैसी है मीटिंग वहाँ। माशाल्लाह थ्री व्हीलर में बिठा लिए हमजा मेरा बेटा, और चारों तरफ रोशनी हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। 7 बजने वाले हैं तो पहुंच गए रेलवे स्टेशन शहादरा। शहादरा तो पहले ही बोल दी हूँ। हाँ नहीं, मैं चढ़ते ही बोल दूंगी भाई, ठीक है। यहाँ पर हम बैठ गए हैं ट्रेन में, तो ट्रेन में हमने टीटीसी टिकट बनवाया था, क्योंकि इतने अर्जेंट उन्होंने बुलवाया था हमें कि हमने टिकट भी नहीं ऑनलाइन, इसमें इस ट्रेन में ऑनलाइन होता है टिकट, तो हमने नहीं करवाया था। तो हैंड टू हैंड उसने हमारे से 200 रुपए का टिकट बनाया हमारा टीटी ने, तो अमरोहा तक के। और अमरोहा पहुंच गए हैं, यहाँ पर एक मीटिंग है बहुत ज़रूरी, तो मैं इसके बारे में कल बताऊंगी, क्योंकि बस ज़्यादा बोला नहीं जा रहा हज उसकी वजह से। और ये हम पहुंच गए अमरोहा, इतना शांति, इतने अच्छा एरिया है, उतरते ऐसा लगा जैसे कभी गांव में आ गए, मगर अच्छा अंदर जाके अच्छा था। प्यारे प्यारे मिले मुझे, क्या पढ़ते हैं आप बच्चे? नाजरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको हाजी नमाजी बनाए। तो गाइस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो ये बच्चे आ गए मेरे पास और ये मुझसे बात करने लगे, तो मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो ये मैंने बताया। बोलो क्या पढ़ रहे हो? नादरा पढ़ना है। क्या क्या कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा, ठीक है अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं, यहाँ पर अभी आ रहे हैं जहाँ मुझे जाना है। तो इन बच्चों से मैंने सोचा जब तक अपना टाइम थोड़ा सा टाइम क्या कहते हैं स्पेंड टाइम बिता लूँ आप लोगों से, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज का रोज़ा लग रहा है आपका? रोज़ा है अल्लाह माशाल्लाह, मेरा भी रोज़ा है, आपका भी रोज़ा है, सबका और वो सबका रोज़ा। और आप लोग ये डंडे ये गिल्ली बल्ला खेल रहे हैं, क्या खेलना है? बदमाशी करना है ना, हम बदमाश हैं। तुम अमरोहा में बदमाश हो? अरे भाई इतने छोटे छोटे अमरोहा में बदमाश होते हैं? और वैसे मैंने बाहर निकलने का ला था ना, फालतू ना बोलता है अब। क्या भाई इस टाइम हमारे इलाका है हमारा, आपका इलाका है तो कुछ भी करोगे। चलो ये दिन की प्यारी प्यारी बातें बच्चों की सुनी, इतने मजेदार हैं बच्चे, हाय कर दो बस। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ये देखिए, अरे कुछ खाया करो, खाया बेचारा का हाथ मर गया। पूरा मान खुदी करा अपना, लेकिन थोड़ा अब करो। हां ये देखिए बच्चे यहाँ पर मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बच्चे, रोजे की हालत में जब भी। ये देखो ये सबसे जबरदस्त इनके ग्रुप में, ये तेरी वो पकड़ रखा है तूने।
मिलाते नहीं है तो तुम मिलाते छोटे बच्चे और अच्छा वाले को। दुआओं में याद रखना, अच्छा हमारा नाम भी लेना दुआओं में, बहुत सारी दुआएं करना। गाइस यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं जहाँ मीटिंग है, तो यहाँ पर बिच्छू वाली दरगाह है, तो वहाँ पर भैया लेके आए थे और हम अंदर आके इन्होंने यहाँ पर हमारी 2 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग हुई थी। सारी लेडीज़ भी आई थी, जेंट्स भी आए थे जो जो जा रहे थे, तो वहाँ यहाँ पर सारी बातें हुई थी। फिर यहाँ से जाने के बाद जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम नहीं था, सर आने वाले थे, तो सब लोग आ गए हैं और यहाँ हो रही है मीटिंग, तो यहाँ बातें हो रही हैं कि आपकी हमारे पास। गाइस हम जा रहे हैं बस से वापस दिल्ली, तो देखते हैं कब पहुंचेंगे जल्दी। दुआ तो यही है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और इफ्तारी से पहले पहुंच जाएं ताकि इफ्तारी बनाएं और खाना भी बना लें। तो गाइस बस 1 घंटा हो गया है। गाइस मैं आ गई थी घर क्योंकि मेरी रास्ते में रास्ते में मेरी बैटरी हो गई थी डाउन, मेरी नहीं मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो ज़्यादा आगे का नहीं बनाया था। घर आ गई थी मैं 4:30 बजे घर आके, फिर जल्दी जल्दी मैंने तैयारी वगैरह बनाई, खाना तो अब बनाया है, तो अभी दिखाती हूँ क्या बनाया खाना। तो फिर तैयारी वगैरह करके फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं लेट गई थी, फिर उठने के बाद फिर तरावी पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, तो फिर क्या नाम है शाम हो गई है। और अब बताइए क्या बनाया मैंने, अब बनाया है क्या चीज़ है, ये चावल मटर आलू मटर चावल ताहिरी बनाई है और दही रखा हुआ है। तो गाइस यही बनाई है आज, तो गरम गरम बन रही है, तो बज गए हैं 9 बज गए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मैं अमरोहा क्यों गई थी मैं आपको कल बताऊंगी कि क्यों गई थी मैं अमरोहा, बस हिम्मत नहीं हो रही कुछ, नींद बहुत तेज़ आ रही है, सफ़र करना रोज़े में अल्लाह। मैं तो ये सोचती हूँ जो रोज़ा रख के काम पे जाते हैं बेचारे, उनको अल्लाह ताला कितनी हिम्मत देता है, कितनी हिम्मत देता है अल्लाह ताला, उनको ऐसी हिम्मत दे और सबको हिम्मत दे, हमें भी और आपको भी सबको हिम्मत दे रोज़ा रखने के, बाहर काम करने की, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह उनको सब्र दे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। जी छोटा सा वीडियो बना है, जैसे कि आपको पता है मेरा भाई भाभी मेरी बहन मेरे बहन भाई का बेटा सब गए हैं माशाल्लाह उमरा करने, तो वहाँ की छोटी सी वीडियो भाई भाभी ने बाहर की बना के भेजी थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि अल्लाह ताला हम सबको हज उमरा करने की तौफीक अता फरमाए, हर मुसलमान को मोमिनात को सबको। तो यहाँ का थोड़ा सा वीडियो देखिए आप लोग, और इतना खूबसूरत मंजर है, ये बाहर का मंजर है।